अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, होने जा रहा है बलूचिस्तान एंड ग्वादर, और ग्वादर से जीमणी। तो अभी हम बस पे बैठने के लिए आ गए हैं। तो ये रही हमारी बस, और इसको बलूचिस्तान की बसों को जहाज़ भी बोलें तो कम नहीं है, यानी बहुत तेज़ और अच्छे ड्राइवर होते हैं। ये मैं अड्डे पे आ गया हूँ, मौज गोट कड्डा ही। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ और इंशाल्लाह फिर ग्वादर में इंशाल्लाह व्लॉग दिखाएंगे आपको, ग्वादर में मिलेंगे इंशाल्लाह। और जी पहले तो जीवनी उतरूँगा और कल इंशाल्लाह हम लोग ग्वादर घूमने फिरने के लिए जाएंगे दोस्तों के साथ। और आगे आपको व्लॉग में बताता रहूँगा कि कौन सी जगह है बलूचिस्तान और ये क्या है, ये क्या नहीं है। ओके बाय। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए ऊपर और बस पे चढ़ गया हूँ। तो मज़े की बात है, मुझे वो एंड में सीट मिली है बिल्कुल एंड में। और बलूचिस्तान के लिए आपको दो दिन पहले सीट करवानी पड़ती है, और मुझे पता नहीं था कि मैंने कब जाना है, और मेरा कभी भी फ़ोन आ सकता था, इस वजह से मैंने टिकट नहीं करवाई। मैंने कहा उसी दिन जिस दिन जाऊँगा उसी दिन करवाऊँगा, तो इसलिए सीट पीछे पीछे मिली। तो फिर भी बस अच्छी है, तो यानी सही सफ़र होगा इंशाल्लाह। और मैं जब भी आया हूँ यही सीट मिली है मुझे, यहीं बैठ के जाता हूँ। बलूचिस्तान का बलोच लोगों का उसूल है, यानी नए बंदे को पीछे ही सीट देते हैं, और अपने बंदों को आगे आगे सीट देते हैं, दूसरों को खड़ा कर लो उसको सामने ही क्या सुन रहा है बात। तो ये इनका आम वो है। और बलूचिस्तान में एक चीज़ होती है कि वहाँ चोरी चकारी नहीं होती, बदमाशी नहीं होती बस, और बाकी सब कुछ होता है। चलें ठीक है, ओके बाय गाइस। तो आगे के लोग मैं आपको दिखाता हूँ, ओके बाय। तो गाइस अभी हम वापसी के लिए उतर रहे हैं, ये हम वापसी पहुँच गए। तो वेलकम टू जीमणी। ये लस्सी लेने के लिए गए हैं भाई, और ये हमारा वो क्या बोलते हैं, कृपान यानी जो भी है। ये गाड़ी है यानी लोडिंग रिक्शे वगैरह हैं। तो अभी हम लोग लस्सी ले रहे हैं, ये बाइक खड़े में हैं, हाँ कृपान जी है जापान। अच्छा चलो लस्सी लेने गए हैं। तो अभी हम लस्सी, ये हमारी बाइक जिससे हम लोग जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे लस्सी लेके आ रहा है। जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये है भाई लस्सी, और ये बादाम, लस्सी के साथ बादाम। ओहो मज़ेदार। अभी पीऊँगा और रिक्शा चल गया है, मैं क्योंकि पकड़ के नहीं बैठा हुआ, तो अभी इंशाल्लाह वहाँ जा के पियेंगे। ओके बाय। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं समंदर पर, और ये जीमणी, ये हमारे ड्राइवर, और ये इस पे जा रहे हैं हम लोग, रिक्शा है लोडिंग वाला रिक्शा है, और इसी पे जा रहे हैं। और ये हमारे दोस्त खड़े हैं, यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। हाय करो दोस्तों, ये इनको धूप गर्मी लग रही है, देखो पसीना पसीना हो रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, ये जीवनी का इलाका है। ड्राइवर साहब हाय करो। तो ये हम खुद हैं, और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तो आपको वो व्लॉग दिखाएंगे। जीवनी में ये मज़ा है, चारों तरफ तो नहीं, तीन तरफ सारा समंदर ही समंदर आपको मिलेगा। आप यहाँ यानी जहाँ भी जाओगे, जितना भी जाओगे, और जितनी मर्जी मच्छी चाहिए, कौन सी मर्जी चाहिए, यहाँ मच्छी भी आम है, और खाना पीना भी आम है। और एक सहूलत नहीं है, वो ये है कि यानी नेक्टर वगैरह बहुत कम होता है, यानी या तो जोम का नहीं होता, अगर जोम का होता है तो जैस का नहीं होता, ऐसे ये मसला होता रहता है। बाकी पेट्रोल भी बहुत सस्ता है यहाँ पर, यानी अपने पाकिस्तान से आधा होता है यहाँ, और ये ईरान का बॉर्डर लगता है यहाँ से, और
दुबई से पेट्रोल आता है, हर चीज़ यानी अंडे तक ईरान से ही आता है यहाँ पर। तो अभी हमने लस्सी, एक लस्सी लेनी है, वहाँ जाके लस्सी भी पियेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे पीते हैं और कैसे नहाते हैं। ओके बाय। हैं? अच्छा ये भाई हम लोग आ गए, ये सारा समंदर। और मैं कहता हूँ समंदरों का विनर जो है ना वो ग्वादर है। बहुत खूबसूरत पानी, इतना साफ सुथरा शफाफ पानी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल शफाफ। देखो लोग नहा भी रहे हैं, हम भी नहाएंगे और हम भी नहाएंगे। अब वो जहाँ तक मर्दी जाना है जाओ, समंदर ही समंदर, बहुत दूर दूर तक समंदर है। और ये रही हमारी लस्सी, लस्सी निकालो भाई, लस्सी पिए पहले। पहले निकालो, मैं भी आ रहा हूँ। तो वहाँ जाके बिल्कुल पानी के साथ लस्सी पीते हैं। यह है, देख सकते हैं आप, पानी देखें आप, बिल्कुल साफ साफ देखें। वहाँ जाते हैं, आओ उधर चलते हैं ना, हैं नीचे हो जाओ, कपड़े उड़ेंगे आपके। ये तो अभी यहाँ जा रहे हैं वहाँ, लस्सी काट यार, लस्सी दे। ये अहमद भाई लस्सी खोल लें तो। हाँ हाँ, कुछ दोस्त मेरे कपड़े चेंज कर रहे हैं और मैं तो इन्हीं कपड़ों में नहाऊंगा। ये देखें बोट खड़ी हुई है, ये सारी बोटें ही खड़ी हुई हैं यहाँ, यानी जो शिकार पे जाते हैं। ये हमारी लस्सी, आया आया आ हा हा, मजे मजे बोला मजे। आ देखें भाई, आ गए हम लोग नहाने के लिए। तो ये जो लस्सी है ना ये ईरान से आती है और बहुत ज़बरदस्त लस्सी, यानी बिल्कुल तैयार हुई भी लस्सी, बस खाली पीनी होती है, ढक्कन खोलो और पियो बस। तो आगे नहाते हुए व्लॉग बनाते हैं इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं अभी हम यहाँ जा रहे हैं, मैं गिरी ना जाऊँ, यहाँ स्लीपिंग होती है, दोस्तों का कहना है ऐसे, और लग भी रही होगी आपको। देखें केकड़े, देखो कैसे घूम रहे हैं, येलो, ये देखो कैसे घूम रहे हैं केकड़े। मैं आ गया, भाग जाओ, सब भाग रहे हैं मुझे देखते ही। ये देखो पानी, तो गाइस पानी देखो कैसा पानी है, बिल्कुल नीला नीला पानी। ओ सॉन्ग है ना, ले जा मैनू दूर किते जिते पानी है दे रंग ने नीले, तो मैं आज वहीं आ गया हूँ। ये पत्थर जिसे पानी से यहाँ छल्ला बज दिया ने, और ये देखो बज रही है। और आपको ये मेरे दोस्त बच्चे नहा रहे हैं, देखो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। और इनका कहना है कि हम लोग जब पैदा होते हैं हमें विरासत में एक कश्ती दी जाती है और जाल वगैरह दी जाती है और एक पिस्तौल वगैरह, इनका कहना है। ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा ईरान का बॉर्डर, ये ईरान का बॉर्डर है सारा, तो ये सब ईरान का बॉर्डर है, यानी यहाँ से पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह यहीं आता है। ये जो कैकिंग खड़ी है ना यहाँ आता है पेट्रोल वगैरह और डीजल वगैरह, ये कश्तियाँ कैकिंग। ये अभी हम लोग जा रहे हैं नहाते हैं, आपको अगले व्लॉग में दिखाते हैं। तो पहले देख लें आप, ये देखो बच्चे नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। पानी आ गया मेरे सारे मोबाइल पे, तो अभी बस
मोबाइल साफ करते हैं फिर करते हैं। मैं तो सोच रहा था आगे जाके बनाऊं, लेकिन अभी यहाँ ब्रेक लगाते हैं। ये देखो भाई पानी पानी यहाँ बुलाने पे आ जाता है। ये देखो पानी आ जा, वो देखो आ गया ना, ये सारा पानी देखो कितना साफ साफ पानी है, बिल्कुल साफ साफ। और देखो चुन्ने चुन्ने से बच्चे नहा रहे हैं, ये देखो सब। ये मेरे दोस्त यहाँ जगह बनाई गई है नहाने एंजॉय कर लिए। तो ये देखो ऐसा हमारे कराची में नहीं है, जो कि पानी देखो बस गाइस, पानी देखो कैसा साफ साफ और शफाफ पानी है। देखो कैसा पानी, हर चीज़ नज़र आती है। तो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। अभी लहरें थोड़ी बढ़ गई हैं, तो वो इधर चलो, चल 1 2 3 गो। ये मेरा दोस्त गया। और तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो ब्लॉग अंदर तो नहीं बन सकता, तो मेरा दोस्त खड़ा होकर बनाएगा मेरा ब्लॉग। तो देखे पानी कैसा है, ले जा मैनु दूर किते जिते पानी है दे, ओ सॉरी ले जा मैनु दूर किते जिते, ओ मुझे सॉन्ग भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो मेरा दोस्त जा रहा है, ये देखो पानी आ गया। तो ये देखें गाइस ये बोटें खड़ी हुई हैं जो कि मच्छी पकड़ते हो। यहाँ आम मच्छी होती है, बहुत मच्छी होती है बहुत, यानी यहाँ कहो कि जैसे कि लोग ऐसे यानी बहुत तो कदर ही नहीं है मच्छी की, जैसे कि हमारे यहाँ होती है यहाँ नहीं है। ये देखो सारी बोटें खड़ी हुई हैं जो कि ये ईरान का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ईरान का बॉर्डर। ये बोटें पेट्रोल वगैरह जो आता था अभी बंद हो गया सख्ती की वजह से, ये मछलियाँ भी पकड़ते हैं पेट्रोल भी और डीजल वगैरह ये ले आते हैं। ये देखें सारी बोटें खड़ी हुई हैं, ये देखें कुछ चल रही हैं थोड़े थोड़े बचे। तो गाइज अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, ओके बाय। पानी एक बार दोबारा से देख लो, ओके बाय। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, बाजू ऊपर कर लिए मैंने, अभी जाता हूँ बड़ी डुबकी लगाऊंगा, वहाँ जाके निकलूंगा। और मेरी चप्पल कौन पकड़ेगा अहमद से, मैं चप्पल यहाँ छुपा देता हूँ, यहाँ से कहीं सॉरी यहाँ नहीं छुपेगी। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरी चप्पल अपने पाँव के नीचे रख लो। तो गाइज इधर देखो मैं कैसे जाता हूँ नहाने के लिए, तो 1 2 तो इधर जाना कैमरा मैन इधर फोकस करे, 1 2 3 गो। पानी देखो पानी कितना साफ सुथरा पानी है, यहाँ की यही खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पानी बहुत साफ सुथरा साफ और शफाफ पानी होता है, नहाने में मज़ा भी आता है। ये देखो एक बार फिर कैमरा मैन, हम लस्सी पी रहे हैं, लस्सी लस्सी कैमरा मैन लस्सी पी रहे हैं, कैमरा मैन आ गया, दोस्तों को लस्सी पिलाते खाते, आ गया। तो गाइस अभी इसमें नमक आ गया है, लस्सी में नमक आ गया, अभी मैं पीने जा रहा हूँ लस्सी, बहुत मज़ेदार, वाह हाँ, समंदर में पीने का अपना मज़ा। आखिर निर्सी बला है क्या मुंह में चुकड़ी पे, अभी मेरी बात है। गाइस इसमें पानी चला गया, लाओ इधर लाओ, और ये अभी पानी चला गया, मदद करो, मदद करो
तो मैं दोबारा जा रहा हूँ। तार तने ने तार आए बैठ तुम कर गाइस मैं भी जा रहा हूं उसको सफल कर गाइस तो बांध तो गाइस ये देखो चोट लग गई तो गाइस आप जब भी ग्वादर या जीवनी की तरफ आओ तो इस समंदर का व्यू और ये नज़ारे आप आके देखना और पानी देखना और यहाँ के पत्थर देखना, इतने खूबसूरत इतना खूबसूरत वाइट वाइट पानी, बिल्कुल मेरी तरह हसीन लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। और अभी देखो मैं समंदर में जा रहा हूँ यूं करके, तो देखना मैं कैसे जा रहा हूँ। चलो भाई चलो आप भी आ जाओ, मैं आपके ऊपर बस और कैसे जाऊंगा ऊपर बस सही है। तो गाइस देख देख 1 2 3 गो 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 खाते नहीं है ये वाइट वाइट बेत है, देखो को देखना चाहिए। वीडियो वो बना इन मोबाइल नहीं करेंगे, अल्लाह का बंदा मोबाइल इन नहीं करेंगे ब्लॉग का बंद कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम लोग पिकनिक पे आए, तो ये रही हमारी गाड़ी लैंड क्रूजर V8, ये हमारे ड्राइवर हैं और फुटबॉल भी हम लोग लेके आए हैं। देखें आप जहाँ भी और जितने तक आपकी नज़र जा सकती है, तो ये सारा समंदर है। यहाँ का व्यू इतना प्यारा होता है कि हम ये टूटे फूटे रास्तों से आए हैं, ये देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा। तो यानी 1.5 घंटे का रास्ता है। तो अब आपको मैं व्यू दिखाने वाला हूँ ना, जो वो देखिएगा और बताइएगा कैसा व्यू है। व्यू आता है इधर से, तो मैं ऊपर से भी ऊपर चढ़ूंगा इंशाल्लाह, मैं ऊपर से भी व्लॉग बनाएंगे कुछ। तो पहले ये देख लेते हैं, ये बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड लगता है यहाँ से। ओह वो मैं शॉर्ट वीडियोस भी मेंशन कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वो भी देख लीजिएगा। इसमें अभी आपको व्यू नहीं सही दिख रहा होगा, लेकिन बहुत आला व्यू है, कमाल फुल कमाल।
जिसको बोलते हैं ना कमाल, ये वो वाला व्यू है, देख सकते हैं। देखें स्विट्जरलैंड, फुल धमाल जगह ये है, और ये खतरा भी है, नीचे भी गिर सकती है, तो आगे नहीं जाते हैं हम। गाइस ये देखें, मैं पहाड़ी पे भी आपको व्लॉग दिखाऊंगा, पहाड़ी का भी, ये यहाँ का व्लॉग है। तो मैंने कहा पहले नीचे से दिखा दूं गाइस को, तो ये नीचे का व्लॉग है। तो नीचे आए हुए थे इसलिए मैंने कहा नीचे से, देखो हरे हरे वो पत्थर हो रहे हैं सारे, तो बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत प्यारी जगह है। आप भी आए यहाँ, यहाँ का पहले मेरा व्लॉग देखें, आपको पसंद आए तो फिर आए, अगर ना आए, हर किसी की आंखों का अपना तारा होता है, तो जैसे उसको अच्छा लगे, तो यानी अगर पसंद आए तो आप आए, ना आए। हाँ हाँ, ना आए तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये सारे पत्थर यहाँ का भी है, ये सारे ये देख, बहुत प्यारा व्लॉग आज बनने जा रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो यहाँ से फुल जबरदस्त जगह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस आज मैं जीवनी के एक पिकनिक की जगह है, पिकनिक पॉइंट है, तो आज मैं यहाँ आया हूँ, और ये यानी जीवनी की सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन अच्छा व्यू, पहाड़ भी और नीचे समंदर भी, जैसे स्विट्जरलैंड में दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं, देखें यहाँ बहुत गहरा और यहाँ बहुत गहराई है, यानी यहाँ कोई नहा नहीं सकता, और कुछ लोग यहाँ चोरी के लिए आते हैं, यानी वो मछली पकड़ने के लिए वो मना कर रहे हैं, यानी हुकूमत की तरफ से यहाँ अलाउ नहीं है शिकार करना। ये व्यू है, देखें आप मेरे पीछे, देखें इतना प्यारा व्यू है। तो आप भी आएँ यहाँ का, यहाँ व्यू का मज़ा लें, और आपको पसंद आए तो लाइक फॉलो करना ना भूलिए, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय। तो गाइस आज जो है, जैसे कि आपको पता है, हम लोग पिकनिक पे आए हैं, ये सब कुछ है, यानी प्याज और टमाटर हरी मिर्ची वगैरह कट गई, और ये है चिकन, और ये डल गया है, और आपको मज़े का व्यू दिखाऊं, ये देखें वो चश्मा लगाओ ना, ये देखो, और ये डालने द्वारा बहुत VIP व्यू, देखो व्यू, बाकी छोड़ो सब कुछ, आज बिरयानी बनाएंगे हम लोग बिल्कुल मज़ेदार। ओहो, मेरे तो अभी भी मुंह से पानी निकल रहा है, बहुत आज ज़बरदस्त बिरयानी बनाने वाले हैं। वो ये रहे हमारे पीछे, ये वाला हाय करो, ये बनाएंगे आज बिरयानी, और ये बहुत यानी ग्वादर के ज़बरदस्त कुक हैं, तो इनको हम अपने साथ लेके आए हैं, और ये देखें कैसा देख सकते हैं, आज जो बिरयानी खाने का मज़ा आएगा ना, ओए कराची वालों देखते रह जाओगे, हमारी कामयाबी और हमारी खुशियां और हमारे टूर्स वगैरह को, मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही ना, अल्लाह ने ज़िंदगी दी ना, तो पूरी दुनिया घूमूंगा, पूरी ज़िंदगी तो नहीं खैर, पूरी दुनिया घूमूंगा इंशाल्लाह। तो कुछ अरसे के लिए मैं ग्वादर चला जाऊंगा, अगर ग्वादर आ गया, यहाँ से यहाँ एक दो दिन रहूँगा दोस्तों के पास, और यहाँ से फिर मैं ईरान चला जाऊँगा, और फिर ईरान से मैं चला जाऊँगा इराक, और ऐसा यानी स्टेप बाई स्टेप, महीना एक महीना वहाँ लगाऊँगा, एक महीना आगे लगाऊँगा, एक महीना आगे, और आखिरी मेरी मंजिल होगी
तुर्की या इटली, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ का व्यू दिखाएंगे। हमारी ख्वाहिश है वहाँ जाने को, तो इंशाल्लाह ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। और बाकी ये देखें, लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह। देखो कैसा व्यू है, स्विट्ज़रलैंड जैसा व्यू है। दूर से तो थोड़ा बेकार सा लग रहा होगा, करीब जाओ तो ऐसा ज़बरदस्त व्यू आता है। ये देखिए, मैं आपको सब दिखाता हूँ, यानी सब जो जो व्यू है ये। सॉरी, ये लोग बाइक्स पे भी आते हैं। ये व्यू है यहाँ का, देखें गाइस, फुल तबाही मची हुई है, फुल। ये देख, ये है गाइस, ये ऊपर का व्यू, ये सारा। तो देखें, ये सारा रेगिस्तान, दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर। तो गाइस, मैं उधर से इधर से आया, ये देखो लोग खड़े हैं सारे, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे लोग पिकनिक मनाने आए हुए। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर, जोर। ये हमारा कराची हॉक्स पे वगैरह तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये भी अच्छा वगैरह, जहाँ मर्जी जाओ समंदर दिखेगा आपको, पानी दिखेगा, बस लेट्स ऑल। देखें फिर गाइस, ये है यहाँ का व्यू। तो गाइस, अभी हमारी बिरयानी तैयार हो रही है। तो बिरयानी मेरा जो कुक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कुक जो है ऐसी बिरयानी बनाते हैं कि बस मेरे तो अभी भी मुंह से पानी निकल रहा है। आह हा हा, कैसी बिरयानी होगी, मज़ेदार बिरयानी होगी इंशाल्लाह। फिर खाएंगे, और वो वहाँ पका रहे हैं बैठे हुए, तो ये यहाँ का व्यू है। घूमो फिरो और मज़े करो। ओके गाइस, तो गाइस आपसे एक बात कर रही थी हमें, तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि मुझे अभी तक नहीं पता, मैं कराची से रवाना हो गया हूँ और ग्वादर तक पहुँच भी गया हूँ। खैर ऑफियस से यानी ग्वादर जिमनी भी पहुँच गया, तो आज अभी तक मुझे ये नहीं है पता कि मेरी आखिरी मंजिल कहाँ पर है और मैं कहाँ जा। मुझे इतना पता है कि मुझे तुर्की जाना है या इटली जाना है, और वो जितना भी समय लगे, जितना भी अर्सा लगे, तो लगाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा एक दिन मेरा व्लॉग आएगा, वो हो व्लॉग होगा तुर्की में या इटली में, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मेरी मंजिल ये दो हैं, दो मुल्कों में किसी में भी पहुँच गया खैर ऑफियस से, तो वो मेरी आखिरी मंजिल होगी। तो ये देख लें व्यू, तो इंशाल्लाह अभी बिरयानी तैयार हो रही है, तो कुछ यानी 15-20 मिनट लगेंगे तो वो पक जाएगी, फिर हम लोग खाएंगे मज़े से। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय। तो अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये देखें, आज शिकार किया, ये देखें मुंह में डाल लूँ, तो ये हमने वो छोटे बच्चा बैठा हुआ, उसने शिकार किया, तो मैंने कहा एक व्लॉग बना लूँ। तो अभी ये हम लोग पकाएंगे और मजे से खाएंगे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से पकड़ लूँ दांतों से। तो मुंह में डाल लूँ, खाने की चीज़ है, डाल लेनी चाहिए, यानी जब भूख लगे ना, कच्ची मच्छी भी खानी पड़ती है, तो ये क्या है, ये देखो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए, बहुत खूबसूरत, बहुत वीआईपी, और देखो कितना, तो बहुत ठंडा पानी है, क्योंकि मैं वहाँ नहाया हूँ, तो वहाँ ठंडे की निशानी ये है कि यहाँ बहुत गहरी जगह है। देखें ये पहाड़, ये आपको दिख रहा होगा, ये टोटे टोटे पड़े हैं ना, टोटे टोटे से हो रहे हैं, ये पहाड़ नीचे गिरा हुआ है, यानी पूरा पहाड़ नीचे आ गया और पानी में डूबा हुआ है। मैं वहीं एक किनारे पे ही खड़ा हूँ, एक पत्थर पर खड़ा हूँ, ये टोटा है, वो टोटा है, वो टोटा है, यानी बहुत गहरा है यहाँ पर, इस वजह से ही बहुत ठंडा पानी है। तो ये है जगह यहाँ की, तो
लेकिन लोग शिकार कर रहे हैं, मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मेरी बिरयानी लग रहा है तैयार हो गई होगी, तो मैं चलता हूँ बिरयानी खाने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको मिल देंगे। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस ये आपको ये हरा हरा दिख रहा होगा, ये पालक नुमास है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल यानी पालक होती है ना बिल्कुल जैसे, तो चाइनीज़ इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, मुसलमान तो नहीं खाते शायद, चाइनीज़ इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और जो ये देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। और मेरे पीछे देखें कैसा सीन है, मेरे बहुत ही बोरे और वो मुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं, बोल रहे हैं खाना तैयार हो गया नुमान भाई, आ जाओ अब बिरयानी खाएंगे ज़बरदस्त मज़े की से। मज़े मज़े करो लोगों, घूमो फिरो मज़े करो। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज ये हमारी चाय तैयार हो रही है, भाई बना रहे हैं, ये हमारे दोस्त, ये चीनी और पत्ती वगैरह दूध वगैरह, और ये मच्छी भी शिकार करने के लिए आए हैं। तो अभी चाय की तलब हो रही थी और देखें वो हाथ तो नहीं जला, देखें कैसी आग भड़क रही है, और ये सुराख भी हो रहा है, और जब उभरेगी तो हम जल्दी जल्दी उठा लेंगे, आप टेंशन नहीं, आप यानी ये नहीं बोलना कि सुराख हो रहा है सारा। तो ये देखें हमारे साथ ये वाला माल भी है, ये भी खाएंगे हम लोग, तो ये सही है भाई दोस्तों। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सलामत रहो। हमने वो कर दिए पानी में डुबो दिए, हाँ बल रही है आग, जल रही है, तैयार हो रही है माल। तो गाइस बिरयानी अभी थोड़ी सी देर है, तो अभी आग भड़का रहा हूँ मैं, जैसे आग भड़क जाएगी और जल्दी जल्दी पकने की भूख लग रही है, और मोबाइल गाइस केयर नहीं करें अभी आग भड़क गई है। देखें मैं मोबाइल पकड़ लूँ आपको दिखाता हूँ, बस सही। तो गाइस बिरयानी अभी तैयार हो रही है, थोड़ी सी रह गई, अभी दम देना है 5 मिनट का, फिर बिरयानी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और व्यू देखो बस आप, शाम का व्यू। अकरम अकरम भाई नाचो, टांगो नहीं आता, आ जाएगा देखो पीछे। सारे साथ में बिरयानी का पतीला बड़ा सा 10 किलो बिरयानी, और ये वाले हम लोग, ये देखो हमारा आज हम बिरयानी खाएगा, ये हमारे दोस्त, ये हमारी सलाद देखो, सलाद देखो सब कुछ डाला हुआ है। हाय करो सब दोस्त, कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, ये देखो मुंह से पानी निकल रहा है ना सबका, एक फेरो बस। और व्यू भी देखो आगे का, हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस अभी हमारी बिरयानी फुल स्टार्ट, कैमरामैन थोड़ा इधर आए ताकि पूरा व्यू आए पीछे का भी और आगे का भी। तो अभी हमें हमारी बिरयानी वगैरह तैयार हो गई है, ये सलाद है, अभी इसमें हम लोग डालेंगे और मज़े से खाएंगे। चाचा जी हमारे जिन्होंने बिरयानी तैयार की है और जिन्होंने प्लान बनाया है, ये हमारे भाई। तो कैमरामैन थोड़ा करीब लेके हैं बिरयानी का, ज़ूमिंग हो रही है, व्यूअर अपने व्यूअर के मुंह से पानी भी निकाल रहे हैं। आगे ले आओ, आगे आगे, हाय हाय हाय, नज़ारे चेक करो चेक करो, मजे मजे बस।
ये देखो भाई ईरानी नोट 50-50 लाख रुपए, देखो दिखाओ ईरानी नोट, ये देखो आज नाच गाने पे ईरानी नोट चलेंगे, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। ये हमारे चाचा जिन्होंने पूरा प्लान तैयार किया बनाया, ये ये है ईरान के नोट 50-50 लाख रुपए, देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा ये 10 लाख रुपए है और ये 10 है 50,000 और 10,000 रुपए, यानी वैसे तो लाख लाख रुपए हैं, देख सकते हैं ईरान। तो अभी हमने अब शुरू कर दिया है बिरयानी खाना, देख सकते हैं आप, अरे मज़े के, सब भूखे हैं, सब भूख सॉरी सबको भूख लग रही है, और हमने दोपहर का खाना नहीं खाया इसी के इंतज़ार में कि वहीं एक एकदम जाके खाएंगे। देखो वो गर्दन उठा के बैठा हुआ है, वो देखो ये खा रहा है, हाँ हाँ करो हाँ करो हाँ ये चीज़। अभी हम लोग पेट भर के खा ली है, लेकिन चावल हमारी शर्त थी कि चावल पूरे ख़त्म करने हैं, तो प्लान बनाया है कि वहाँ जाके, ये आपको व्यू दिख रहा होगा, वहाँ जाके फुटबॉल खेलते हैं, हजम हो जाएंगे, दोबारा से खाने आ जाएंगे। तो चाचा हमारे बैठे हैं, ये ख्याल करेंगे, तो अभी हम लोग निकल लें, चलो चलो चले। आज हमने पूरी ये देख मुकानी है पूरी, लत मार लत, मैंने मैं मारा। तो गाइस ये अभी हम किक लगाने जा रहे हैं, ये 1 2 3 गो, मेरी जूती भी गई, तो ये किक पहुंच गई, चलो दोस्तों पहुंचो। तो ये हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मार मार, हमारा खाना जितना हजम होगा उतना खाया जाएगा, अभी मैं किक लगाने वाला हूँ, मुझे लगाने दे। तो ये हमने किक लगाई, ये मेरे दोस्त खेल रहे हैं, व्यू देखो, बस जितना हमारा खाना हजम होगा उतना खाएंगे हम लोग, पूरी देग वो खत्म करके ही जानी है जिमनी से, इस प्यारी सी जगह से। शक्लें इस टाइम किसी की नजर नहीं आएंगी, तो गाइस अभी हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए आ गए हैं, ये यहाँ का व्यू है, क्योंकि हमारा खाना हमसे वो खाया नहीं गया, वो पूरी देख थी, हम 8 बंदे थे तो हमारे से वो नहीं खाया जा रहा था, तो हमारे बुजुर्ग जो साथ हैं जिन्होंने बनाया है, उन्होंने बोला ये फुटबॉल लो, ये जाके खेलो, और जब ये आप खेलोगे थकोगे और भूख लगेगी तो चावल खत्म होंगे, वो कहते नहीं होंगे।